सो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम गए थे हमारे एक साथी के घर के हाउस वार्मिंग पार्टी में। हाउस वार्मिंग सब नया सा लग रहा होगा, असल में ये नए घर का गृह प्रवेश है जो कि पय्यनूर में थनल इको पार्क से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे नारियल, केला, चूँकि ये एक नदी के किनारे बसा हुआ है तो हरियाली है, जंगल की तरह माहौल है। और ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहाँ हम लोग गए थे, तो आइए देखते हैं क्या होता है वहाँ। सो ये हमारे साथी का अभी वाला घर है और इनका जो भाई है उनके लिए अलग से वो नया घर बनाया गया। ये वो साथी हैं हमारे और उनके साथ हमारे दो दोस्त भी हैं। सो जब हम गए तो पूजा हो गई थी और ये मुथुप्पम जो केरला के देवता है इनके एक हिस्सा है, वो यहाँ लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। और ये वो नया घर है जिसकी हाउस वार्मिंग पार्टी है। ये उसका छत है और यहाँ से पूरा आसपास का माहौल दिखता है, पूरा जंगल है। केरल के लोगों का कल्चर ये है कि वो घर रेडी होने के बाद में गृह प्रवेश के समय सबको बुलाते हैं और अपना घर दिखाते हैं, जिससे सभी लोगों के पांव जब इनके घर में पड़ते हैं तो इनका वास्तु जागृत होता है, ऐसा इनका मानना है। और कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो बहुत अच्छी है यहाँ की। तो हम छत से स्टेयरकेस की हेल्प से नीचे की ओर जा रहे हैं और इस नए घर में, जिस घर की हाउस वार्मिंग पार्टी है ये वही घर है। इसमें केवल ग्राउंड फ्लोर है और ये उसका किचन है। ये ऊपर जाने वाला जो सीढ़ी है और ये है बाहर का नज़ारा। और ये जब हम सबसे पहले अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा हॉल है जहाँ टीवी वगैरह रखा हुआ है और मेन गेट से ही सीधा पूजा रूम है या भगवान का रूम कह सकते हैं। इसके इस पार भी एक छोटा सा रूम है, उस पार भी एक छोटा सा रूम है, तो एग्जैक्टली दो रूम हैं और एक बड़ा सा बेडरूम है। तो इतना इनका घर है। और केरल में लोगों का घर जो है वो अलग तरह से बनता है, यहाँ का माहौल अलग होता है और मुझे तो बड़ा पसंद आया इनका घर। अब हम घर देखने के बाद वहाँ कुछ थोड़े ही साइड में जंगल था जहाँ हम लोग तपस्या करने के लिए कमंडल लेकर चले गए और वहाँ पर बैठकर हमने बहुत देर तक सारे दोस्त मिलके तपस्या की हमने। और तपस्या करने के बाद ही हमने कंदमूल भी खाए और खाने के बाद हम वापस खाना खाने के लिए इधर घर आ गए। वापस आते समय मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो है एक छोटा सा कुआं जो 6 फीट गहरा है। इसमें गर्मी के दिन में भी पानी है, बरसात के दिन में यहाँ से पानी निकाला जाता है। और ये है चीरा, जिसको हम अपने भाषा में लाल भाजी कहते हैं, वो यहाँ उगाया गया था। ये है मुथुप्पम स्वामी का यहाँ के, जो कि नए घर में उनके घर वालों को आशीर्वाद दे रहे थे। इसके बाद हम आ गए खाना खाने के लिए जहाँ पे बना था बिरयानी।
बेचैनी का आनंद हमने लिया। मेरे कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।